गाइस वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ दीरीज आज की इस वीडियो में मैंने इतनी यूनिक चीजें आपको बतानी है कि आपको प्रॉमिस करता हूं दैट यू हैवेंट लिसन इन एनी वीडियोस गाइस वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो वीडियो ऑफ सीरीज तो आज इस में मैंने आपको इतनी सारी नई चीजें बतानी है ना कि आपने कभी भी फ्यूचर सिंपल टेंस में सोचा भी नहीं होगा ना ही किसी यूट्यूब देखा होगा दैट माय प्रॉमिस इट इज नॉट अ काइंड ऑफ क्लिक बेट जो मैंने आपको बोल दिया कि बस यू नो यही चीज होने वाली है यू कैन बी हियर एंड यू कैन वॉस्टी लैंड एंड यू आर गोइंग टू बी सरप्राइज विद सो मेनी थिंग्स वैसे भी मैंने आपको पैटर्न पहले ही बताना है उससे पहले अगर आपने पास्ट टेंसेस और प्रेजेंट की वीडियोस अगर नहीं देखी है तो पहले जाकर आप उसको देखें क्योंकि द वे आई एम गोइंग टू टीच यू यू आर गोइंग टू बी वेरी फैमिलियर विद दैट एंड जिस तरह से मैंने आपको सब कुछ बताना है क्योंकि मेरा पर्पस यही रहता है कि आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन हो ताकि आप अच्छे से स्मार्टली कॉन्फिडेंट बोल पाए एंड इतना स्मार्टलीफाइड वे से बताना है कि एक क्लास थर्ड का भी बच्चा उसको बढ़िया तरीके से समझ पाए ओनली द टारगेट दैट आई हैव बीन चेजिंग इन ईच वीडियोस

अब ये भी आपको बताना है कि शेल कब लगता है अगर नहीं लगता है एज अ मॉडल यूज होता है क्या होता है शेल के साथ ठीक है फिर मैंने आपको बतानी है कि सिचुएशनली कैसे यूज होता है वो तो हम जानते ही हैं उसमें ज्यादा कुछ तो नहीं है लेकिन जो सबसे सरप्राइजिंग पॉइंट है वो ये बताना है जैसे मैं बोलता हूं आई विल मीट यू टूमोर आई एम गोइंग टू मीट यू टूमारो भी तो बोल सकता हूं इसका मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है ओहो सर आपने हमें गलत पढ़ा दिया इसका मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस भी फ्यूचर के लिए यूज होता है ओहो नहीं जी ऐसा नहीं बट गोइंग टू एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि फ्यूचर टेंस के लिए भी यूज होता है यानी प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस को जब फ्यूचर बनाना हो तो आप क्या यूज करेंगे गोइंग टू अब कैसे इन दोनों में लेकिन डिफरेंस होता है क्या डिफरेंस होता है और हम कैसे दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं और साथ ही साथ कुछ ऐसे स्ट्रक्चर जब एक ही सेंटेंस में हम दो विल का यूज करते हैं जैसे कहते हैं ना जो भी होगा देखा जाएगा मतलब जो होगा फ्यूचर की बात है देखा जाएगा तो हम क्या बोलते हैं विल है आप एक सेंटेंस में सेम इटेंस को ट्वाइस या दो से ज्यादा यूज नहीं कर सकते हैं सॉरी एक से ज्यादा यूज नहीं कर सकते हैं तो यह चीज पहले आपको समझनी होगी और अगर नहीं होगा ऐसा तो फिर कैसा होगा यह सब कुछ आपको बताने वाला हूं ठीक है जी और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको जो मैं बताऊंगा वो स्ट्रक्चर्स ऑब्वियसली इजी है इट्स नॉट एक्चुअली अ यू नो वेरी डिफिकल्ट टेस्ट बट बिलीव मी जो पॉइंट्स मैंने आपको बताने इट विल बी सो डिफरेंट एंड ऑल यू नीड टू डू इज दैट इफ यू वांटेड टू हैव दिस पीडीएफ अगर आपको पी डी चाहिए तो आपको जो मैं प्रीमियम कोर्सेस लाने वाला हूं विच आई एम गोइंग टू कम विद माई एप्लीकेशन एंड वेबसाइट्स यू गोइंग टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स चाहे ग्रामर की बात कर लें आप चाहे मॉडल modal, उसमें मोडास होंगे पैसिव फॉर्म्स होंगे नैरेशन होंगे टेंसेस होंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच होगी कॉस्टिव वर्ब्स होंगे कंडीशनर्स होंगे सब कुछ स्पोकन इंग्लिश की पार्ट बात कर लें तो चाहे आप जो नॉर्मल कॉन्वर्सेशन करते हैं एवरीडे डे कॉन्वर्सेशन एक्जैक्टली फ्रेजल वर्ब्स यूज करते हैं एडियम्स यूज करते हैं और हम लोग नॉर्मल यू नो स्टेज स्पीकिंग करते हैं कॉन्फिडेंट इंग्लिश करते हैं बिजनेस इंग्लिश करते हैं कन्वेंस करते हैं सेल्स के लिए करते हैं जितना भी है ना मैंने आपको सब कुछ सिखाना है ताकि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस हमेशा रहे और बहुत ही इजीली आप इंग्लिश को सीख पाए सो आई विल मेक इट लिटिल काइंड ऑफ यू नो पीस ऑफ केक फॉर यू सो यू जस्ट डू नॉट हैव टू वरी अबाउट एनी थिंग यू हैव टू बी विथ मी टिल एंड ऑफ दिस वीडियो आई एम आई एम गोइंग टू टीच यू एवरीथिंग तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते इस वीडियो को सो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सॉरी फ्यूचर सिंपल टेंस क्या होता है देखो सिंपल सी बात है फ्यूचर सिंपल का मतलब है कि कोई भी बात एट अ पॉइंट जो फ्यूचर में होगी ठीक है इतना ही करना है हमें बाकी इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा फ्यूचर right, so, right, सिंपल कोई एक फ्यूचर में पॉइंट होगा जहां पर एक्शन होगा जैसे देखते हैं हम लोग मैंने ये नंबर लाइन बनाई छोटी सी और मैंने इसमें ये नाव रख दिया एंड दिस इज ऑल अबाउट तो ये एक नंबर लाइन मैंने बनाई ओके एंड देन पॉइंट मेंशन कर दिए दिस इज अबाउट पास्ट दिस इज अबाउट नाउ एंड दिस इज अबाउट फ्यूचर अब बात तो फ्यूचर की चलनी है ठीक है तो इसका कोई भी रिलेशन आपके पास्ट और आपके प्रेजेंट से कोई कनेक्शन नहीं है सो so, कोई भी एक्शन एट अ पॉइंट मैं मान लेता हूं एक्शन होगा जो कि फ्यूचर में होगा तो ये चीज आपको याद रखनी है ठीक है बस इसी चीज को हम लोग फ्यूचर सिंपल से डिफाइन कर देते हैं वेरी इजी मुझे समझ आ गया होगा कि आपको ये चीज समझ में आती है चलिए रूल देख लेते हैं रूल क्या होता है सो रूल इज गोइंग टू बी लाइक दिस आपको क्या यूज करना है विल प्लस बेस फॉर्म फॉर्म यानी फर्स्ट ऑफ द वर्ब ठीक है अब क्योंकि हमारे पास एक हेल्पिंग वर्ब है सर आपने तो ऑलरेडी बताया हुआ है कि एक अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हम इसके साथ कोई भी पर्सनल प्रोनाउन यूज कर सकते हैं जैसे कि यू वी दे आई ही कुछ भी ठीक है तो ये चीज आपको याद रखनी है अब शैल की बात कर लेते हैं शैल आता है कि नहीं आता है वेल well, शैल आता है बट शेल कब आता है बताते हैं आपको देखिए समटाइम्स वी ऑल्सो यूज शैल अंडर फॉलोइंग कंडीशन उसके लिए दो कंडीशन अगर आपको शैल यूज करना है तो उस पहली कंडीशन यह है कि ओनली इसे पोलाइट क्वेश्चन आप कर सकते हैं सो शैल इज जस्ट गोइंग टू बी यूज फॉर द पोलाइट क्वेश्चन ओनली ओके तो क्वेश्चन के लिए शैल का यूज करें हमेशा इस बात को याद रखें सेकेंड शैल यूज ओनली मस्ट बी यूज विथ आई एंड वी ठीक है आई और वी के साथ यानी जब तक सब्जेक्ट आपके आई और वी हैं आप यूज कर सकते हैं अदरवाइज इन डीड नॉट आप बिल्कुल यूज मत करें ठीक है सो दिस इज ओनली द थिंग टू कंडीशन विच यू हैव टू रिमेंबर वाइल यूजिंग शैल नाउ एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं वॉट शैल आई कुक क्या मैं खाने में बनाऊं ठीक है शैल आई क्या मैं इधर बैठ जाऊं देखो दोनों क्वेश्चन हैं पोलाइट है दोनों में क्या है एक में आई है तो एक में एक में भी आई है ठीक है आप वी का भी यूज कर सकते हैं सो आई एंड वी के साथ हमें यूज करना, right. exactly, हम कर तो, करना है आपको फॉर फ्यूचर के लिए यूज करना है ठीक है अब क्योंकि फ्यूचर के लिए यूज करना है तो ऑब्वियसली हम जानते हैं कोई चीज होगी है ना मैं आपसे कल मिलूंगा तो गा गे गी ये जो यूज करते हैं ना लाइक गा गे एंड सो so, जब भी सेंटेंस हिंदी सेंटेंस में लास्ट वर्ड ये इससे खत्म होता है इसका मतलब ये है जी कि ये फ्यूचर सिंपल टेंस है ठीक है मैं कल आऊंगा आऊंगा ठीक है तो ये गा गेगी आपको याद रखना है लेकिन इसको रटना नहीं है डू नॉट क्योंकि उससे सही चीजें आपको नहीं मिल पाएंगी ये याद रखना है ठीक है नाउ चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट में विल वर्सेस गोइंग टू क्या डिफरेंस होता है सर विल और गोइंग टू

कि कोई चीज आप करेंगे बट वो प्लान नहीं है मतलब ऑब्वियसली आपने उसको पहले से प्लान करके नहीं रखा हुआ है किसी ने पूछा आप बोल देते हैं ठीक है ना इसका मतलब ये होता है जब कोई चीज आप प्लान करके रखते हैं सो यू हैव टू यूज वॉट गोइंग टू मीन्स आई एम गोइंग टू मैं कल मीटिंग ज्वाइन करूंगा इसका मतलब ये चीज आपने पहले सोची हुई थी और ये चीज पहले से प्लान थी तो इस वजह से आप यूज करते हैं देखो इसका मीनिंग ऐसा ही होता है सो जस्ट गेट द पॉइंट इसीलिए अगर दिवाली आने को होती है तो हम क्या बोलते हैं दिवाली इज गोइंग टू कम एग्जैक्टली वाली इज गोइंग टू कम और चलिए यह तो समझ में आ गया सर और कुछ बताना चाहते हैं आप इसके बारे में एक बात और सुनो एक अबाउट टू होता है अबाउट टू अबाउट टू इज जस्ट सेम लाइक गोइंग टू कोई चीज फ्यूचर में आने वाली हो लेकिन आपको याद रखना है गोइंग टू लिडिल फार के लिए यूज होता है ठीक है ना गोइंग टू किसके लिए यूज होता है जी यहां मैं मैंशन कर रहा हूं गोइंग टू कोई चीज थोड़ा फार हो ठीक है ना फार फ्यूचर के लिए और क्लोज फ्यूचर के लिए आपको क्या यूज करना है देखें आप सो क्लोज फ्यूचर के लिए आपको अबाउट टू यूज करना है ओके अबाउट टू फॉर द क्लोज फ्यूचर तो ये चीज आप जैसे दिवाली मान लेते हैं ही है तो वाट आई एम गोइंग टू से दिवाली इज जस्ट अबाउट द यू नो अबाउट टू कम ओके तो ये चीज आपको याद रखनी है अबाउट टू कम मतलब जस्ट आने वाली है ठीक है कोई भी एक्शन आप जो करने वाले होते हैं बहुत ही पहले मतलब अभी तुरंत कुछ ही समय में तो आप अबाउट टू का यूज करेंगे ठीक है और अगर गोइंग टू का यूज करते हैं इसका मतलब कोई चीज होगी ठीक है अभी होगी नहीं लेकिन एक्चुअली फ्यूचर में थोड़ा सा डिस्टेंट यानी थोड़ा सा फार फ्यूचर में होगी ठीक है यह चीज आपको याद रखनी है ऐसे ही स्ट्रक्चर यूज होता है तो हमको गोइंग टू और अबाउट टू का डिफरेंस समझ में आ गया सर ऑब्वियसली आपने जो बताया सब कुछ समझ में आ गया चलिए आप देखते हैं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जो मैंने आपको बताना था वेल well, हिंदी में हम एक मुहावरा बोलते हैं याद है आपको अरे जो होगा देखा जाएगा ना तो यहां पास जो होगा फ्यूचर है और देखा जाएगा ये भी फ्यूचर है तो हिंदी में ये मतलब English में ये मतलब इंग्लिश में एक्सेप्शन है यार कि हम ऐसे ही यूज करते हैं ये कंडीशन कहलाते हैं और आपको ऐसे ही यूज करना है ठीक है ना यानी कि अगर आपको कोई भी सेंटेंस बोलने में ऐसा फील होता है कि दोनों फ्यूचर का है तो दोनों को विल से नहीं डिस्क्राइब करना है जी किससे डिस्क्राइब करना है आपको पहला एक्शन जो है वो इफ कलॉस यानी कंडीशन होते हैं ना कि अगर ऐसा होगा देखा जाएगा अगर मैं मिलूंगा तो यू you नो know, वो कर लेंगे जो भी सो इफ विल बिकम प्रेजेंट सिंपल टेंस यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस में इफ क्लॉज होगा ये चीज आपको याद रखनी है एंड जो सेकेंड क्लॉज है यानी जो सेकेंड सेंटेंस होगा उसमें क्या आएगा विल आएगा तो ये चीज आपको प्रेजेंट सिंपल प्लस फ्यूचर सिंपल जब आपको ऐसा लगता है कि दोनों फ्यूचर

विल ओके टाइप वन कंडीशन अच्छा सर ऐसी बात है एग्जाम्पल देके बताओ ना चलिए देते हैं देखें आप इफ यू स्टडी हार्ड यू विल पास द एग्जाम अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो आप एग्जाम में पास हो जाओगे देखो गे गे हो रहा है ना एग्जैक्टली exactly, तो हम एक को प्रेजेंट सिंपल के साथ जो कि इफ क्लॉज है इंटरचेंज भी कर सकते हैं ठीक है, है? याद रखना यू विल पास द एग्जाम इफ यू स्टडी हार्ड ऐसे भी यूज कर सकते हो लेकिन आपको याद रखना है अगर हम यू नो चेंज कर देंगे तो आपको ये

Pass the exam if you will oh, oh you'll pass the exam if you study hard. ठीक है जी तो याद रखना है आपको ऐसे लिखना है तो क्योंकि मैंने बाद में किया दूसरा देखें जो मैंने बताया था जो होगा देखा जाएगा ना चलिए देख लेते हैं we will cross that bridge. अब ये मुहावरा जो ईडियम you know, होता है ये कुछ ऐसा ही होता है वी विल क्रॉस दैट ब्रिज वेन वी कम टू इट ठीक है यानी जब हम वो यू you नो know, उस ब्रिज में आएंगे तब देख लेंगे ना पहले से क्यों टेल है तो पहला क्लॉस मैंने किस में रखा ठीक है और इफ क्लॉस या वेन क्लॉस के साथ क्या रखता है क्योंकि कंडीशन बताते हैं यह चीज तो उसके साथ आप हम प्रेजेंट सिंपल यूज करते हैं वेन वी कम टू इट और आप यह भी कह सकते हैं वेन वी गेट टू इट ठीक है तो यह चीज आपको याद रखनी है एंड आई होप आई मेड एवरीथिंग्स वेरी क्लियर एंड अगर यह चीज है तो प्लीज इस वीडियो में एप्रीशिएट करें लाइक करके बताएं कॉमेंट करके बताएं कि आपको सबसे बेहतरीन पॉइंट क्या मिला इस वीडियो में ठीक है तो चलिए अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं एंड एग्जाम्पल्स सो लेट्स गो क्या समझाया सर आपने बहुत अच्छा है ना सब कुछ समझ में आ गया है चलिए अभी टेंशन मत लीजिए अभी स्ट्रक्चर देखिए कितना इजी होने वाला है एंड ट्रस्ट मी दिस ऑल थिंग्स आर गोइंग टू मेक सेंस ठीक है देखिए अफर्मेटिव के लिए हम जानते हैं क्या करते हैं सब्जेक्ट रखें देन विल प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट ईजी है सर इट विल रेन टूमोरो कल वर्षा होगी आई विल हैव पिज्जा मैं पिज्जा खाऊंगा ठीक है फ्यूचर तो कॉन्टिन्यूस हो गया सर हमसे होशियार थोड़े ना आप हमको पता है कि यह फ्यूचर कॉन्टिन्यूस होता है बट यहां पास जो बी है वो ऑब्वियसली एक वर्ब है ठीक है बी जानते हैं ना बी कौन सा वर्ब होता है बी ऑबली हम जानते हैं है. प्रेजेंट में यूज करते हैं आप और अगर पास यूज करते हैं तो वॉजवर ठीक है ठीक है यानी ये फॉर्म होती है एंड ये वी टू फॉर्म होती है और वी थ्री फॉर्म हमें भी पता है क्या होती है ठीक है आप बी को भी ठीक है लेट हो, well, हो जाएगी ठीक है आपको समझ में आ गया होगा मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा इनके बारे में क्योंकि मैंने आपको डेप्थ में पढ़ाना है अगली टॉपिक में नेक्स्ट देखें वी विल गेट मैरिड इन जून यानी हमारी शादी हो जाएगी कब जून में ठीक है तो विल के साथ गेट आ गया वेरी इजी मुझे आशा है कि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट तो विल के बाद नॉट चलिए सर कॉन्ट्रेक्शन बता दीजिए देख लीजिए आप विल नॉट क्या बन जाएगा इट विल बिकम वॉन्ट वेरी न्यू ओके यूज नहीं करते लोग बट यू मस्ट यूज इट इन ऑर्डर टू स्पीक लाइक एडवांस स्पीकर तो आपको एडवांस स्पीकिंग तो करनी है तो वॉन्ट बोलना है विल नहीं बोलना देखिए हम वैसे पढ़ने वाले हैं ही पास द एग्जाम वो एग्जाम पास नहीं कर पाएगा शी वॉन्ट कॉल यू वो आपको कॉल नहीं करेगी शी वॉन्ट गेट द जॉब उसको जॉब नहीं मिलेगा इट वॉन्ट स्नो टूमोरो कल स्नो नहीं गिरेगी वेल well, काफी इजी है सर आपने तो पूरा डाउट ही क्लियर कर दिया हमारा चलिए अभी तो देखें आप सो नेक्स्ट वन

उ विल शी कॉल यू वो आपको किस तरह कॉल करेगी ठीक है एग्जाम्पल्स ऑफ इंट्रोगेटिव प्लसिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाए तो क्या करना है बस सब्जेक्ट के बाद नॉट एड कर देना है बाकी इंट्रोगेटिव वाला सेम स्ट्रक्चर यूज करना है देखे शैल बी नॉट गो टू स्कूल टुमारो क्या हम कल स्कूल नहीं जाएंगे आ, नहीं जाए ठीक है वाई विल शी नॉट मीट यू क्यों आपसे वो नहीं मिलेगी विल अवर टीचर नॉट कम टूमोरो क्या हमारी टीचर कल नहीं आएगी विल दे नॉट बाय न्यू कार क्या वो नई कार नहीं खरीदेगा ठीक है तो सॉरी नहीं खरीदेंगे तो बस इतनी सी बात है और आई होप आई मेड इट आउट एवरीथिंग वेरी क्लियर और थोड़ा सा वर्कशीट के बारे में आपको बता देता हूं कैसी होगी देखें पहले फिल इन द ब्लैंक्स होगा जिसको आप विल के साथ यूज करेंगे सो यू विल गेट अ लिटिल आइडिया एंड फॉर द हिंदी नेटिव स्पीकर्स दिस पीडीएफ इज गोइंग टू वर्क लाइक वंडर्स यू नो आपको हिंदी सेंटेंसेस मिलेंगे सी खाएंगी आएंगे खेलेंगे जाएंगी जाएंगे इससे भी आपको आइडिया मिल जाता है और जब आप इसको ट्रांसलेट करके सही से लिखेंगे यू विल गेट द आइडिया ऑफ ईच एंड एवरीथिंग तो आपको यहां पास सब कुछ मिल जाने वाला है सो दिस इज इट फॉर द डे एंड आई टोल्ड यू एवरी थिंग ट्रस्ट मी दर इज नथिंग लेफ्ट आउट अगर आपको ऐसा लगता है तो प्लीज़ कॉमेंट करके बताएं अगर कोई भी डाउट्स है तो मुझे इंस्टाग्राम पर हिट करें और ये वीडियो को थोड़ा सा स्लो करके देखें बिकॉज आई एम हैविंग द हैबिट ऑफ यू नो लिटिल काइंड ऑफ टीचिंग यू फास्ट अगर ऐसी बात है तो मुझे कॉमेंट करके बताएं भी ठीक है मैं कोशिश करूंगा धीरे से आराम से आपको बताऊँ एंड अगर डाउट हो तो प्लीज़ इंस्टाग्राम में हिट करें ताकि मैं आपके डाउट्स क्लियर कर सकूँ एंड विद दिस आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग इंग्लिश एंड कीप स्पीकिंग और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलें अपने दोस्तों के साथ जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है क्योंकि आने वाला जो टेंस अभी होगा फ्यूचर फ्यूचर और परफेक्ट वो थोड़ा सा डिफिकल्ट बन जाता है सो so, मैंने आपको ऐसे ट्रिक्स बताने हैं ना कि आपको कोई टेंशन लेना ही नहीं है इट विल ऑटोमेटिकली गेट सो स्मूथ यू नो सो इजी फॉर यू दैट यू विल बी एबल टू यूज इट लाइक विदाउट यूजिंग योर ब्रेन ट्रस्ट मी दाई प्रॉमिस तो वीडियो को देखते रहें अपना प्यार देते रहें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि मेरे अपडेट्स अप्डे, आपको सबसे पहले मिल सके थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हेयर बाय